सरों का। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। आइए रुख करते उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की ओर। खबर लखीमपुर से है, जहां पर वाराणसी में ईवीएम पकड़ी गई है, साथ ही कई जिलों में इस तरह की घटना सामने आई है, जिसको देखते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आम जनता से निगरानी करने के लिए अपील की है। तो वहीं ईमानदार अफसर और पत्रकारों से भी आवाहन करते हुए समाजवादियों को आदेश दिया गया है कि मतगणना स्थल पर पूरी तरह से डट जाए, ताकि ईवीएम की हेराफेरी ना हो पाए। खबर सोनभद्र से है, जल स्ट्रांग रूम के बाहर बड़े बॉक्स में रखा मतदान पेटी मिलने से सपा नेताओं ने जमकर हंगामा किया और सपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि तहसीलदार पर आरोप लगाते स्ट्रांग रूम के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। वहीं पूर्व विधायक और प्रत्याशी रमेश चंद दुबे ने भी अधिकारी की लापरवाही बताई। खबर बांदा से है, जहां ईवीएम की हेराफेरी होने से सपा कार्यकर्ताओं ने स्ट्रांग रूम के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। बता दें कि इस मौके पर सपा की नरेनी प्रत्याशी किरण वर्मा और जिलाध्यक्ष विजय करण यादव भी मंडी परिसर में मौजूद रहे। ये कुछ बनारस और सोनभद्र को लेकर के कुछ अफवाहें थी, जिसको लेकर के उनके प्रदेश द्वारा आह्वान किया गया था कि ईवीएम की सुरक्षा के लिए जो है उनके कार्यकर्ता निगरानी करते हैं, इसी को लेकर के वहाँ आए, लेकिन यहाँ किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं पाई गई है। उनको विधिवत समझा दिया गया और उनके निगरानी रखना व्यक्तिगत अधिकार है, जो निगरानी रखें रहें, इसमें कोई समस्या नहीं है। कुल मिलाकर के कानून व्यवस्था की यहाँ कोई समस्या नहीं है, न ही यहाँ किसी प्रकार की त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के बीच में ईवीएम मशीनें रखी गई हैं, किसी प्रकार की कहीं कोई समस्या नहीं। क्योंकि इस समय जो है, कल जो एग्जिट पोल आया उसमें चूंकि बीजेपी बेईमानी करना चाहती थी, आज बनारस में कई जगह तमाम जो है मशीनें पकड़ी गई। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री सम्मानित अखिलेश यादव जी का जो है शाम को आदेश हुआ है कि पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग हर मंडी पे जहाँ जहाँ स्ट्रांग रूम है, सभी समाजवादी पार्टी के साथी कार्यकर्ता बूथ सेक्टर प्रभारी रात में दिन में लगातार मशीनों की निगरानी के लिए सभी। खबर गोरखपुर से है, जहां पर वाराणसी बरेली और सोनभद्र में ईवीएम से लाए जाने वाली लापरवाही हुई है। इस घटना को संदेह की नजर से देखते हुए सपा कार्यकर्ता सड़क पर आ गए। शीर्ष नेतृत्व और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर विश्वविद्यालय के बाहर सैकड़ों की संख्या में सपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता आ गए हैं। बनारस की घटना के बाद हम सभी समाजवादी लोग अपने नेता के आह्वान पर आज सभी समाजवादी साथी खुद अपने आप अपने वोटों को रखाने के लिए सड़क से लेकर गेट तक चारों तरफ पूरे प्रदेश में मुस्तैद हैं। उसी कड़ी में गोरखपुर में भी हम समाजवादी लोग चारों तरफ मुस्तैद हैं, ताकि परिंदा पर न मारने पाए, क्योंकि जनता ने जनादेश दिया, उस जनादेश की रखवाली करना हम समाजवादियों की जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं हम लोग। देखिए, बनारस की घटना के बाद से थोड़ा जनता में एक आक्रोश पैदा हुआ है। वो जनता जो ईवीएम में अपना मत समाजवादी सरकार बनाने के लिए दिया है, उससे जनता भ्रमित हो गई, कहीं हमारे वोटों के साथ लूट तो नहीं की जा रही है। उसी का नतीजा है कि हमारे कार्यकर्ता स्वतः स्फूर्त से, जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, तो लोगों ने यूनिवर्सिटी पर आकर के अपना आक्रोश जताया है कि हम यहाँ किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होने देंगे। प्रशासन ने भी पूरा वादा किया है कि चूंकि हमारे सभी प्रत्याशियों के हमारे एजेंट वहाँ पर बैठे हुए हैं जहाँ मशीन रखी हुई है, और हम लोग लगातार निगरानी कर रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि हमारे कार्यकर्ता भी जो प्रशासन का कोऑपरेशन कर रहे हैं। देखिए, पूर्व में पंचायत चुनाव में हम लोगों ने देखा, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से जनतंत्र का लूट किया है, हम लोगों को आशंका है कि उत्तर प्रदेश में
इसी तरह से जनतंत्र का लूट किया जाएगा। अभी बनारस में देखा गया जिस तरह से तीन तीन गाड़ियां ट्रक ईवीएम से लदी हुई बनारस में घूम रही थी, वह मौके का तलाश कर रही थी कि कब मतगणना स्थल पर जाएं और स्ट्रांग रूम को तोड़ करके उसमें उसकी ईवीएम को चेंज किया जाए। लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की सक्रियता के नाते लोकतंत्र का को लूटने से बचा दिया गया। उत्तर बनारस में सुल्तानपुर की स्थिति वही है। श्रावस्ती जनपद के 10 मार्च को होने वाले मतगणना को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट हुआ है और मतगणना स्थल पर भारी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्स तैनात है। बता दें कि मतगणना को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार मौर्य भी मौके पर मौजूद है। वहीं जिलाधिकारी नेहा प्रकाश ने भी मतगणना स्थल पर पहुंचकर निरीक्षण किया। मतगणना स्थल की त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है, जिसमें आइसोलेशन कार्डन या इनर कार्डन जो है उसमें केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को लगाया गया है। दो कंपनी केंद्रीय अर्धसैनिक बल, दो प्लाटून पीएसी प्राप्त हुई है। इनके अतिरिक्त लगभग 600 के करीब पुलिस जनपद पुलिस का पुलिस बल व होमगार्ड पीआरडी लगाए जा रहे हैं। आउटर कार्डन के अंदर किसी भी व्यक्ति को बिना चेकिंग फ्रिस्किंग के प्रवेश नहीं दिया जाएगा। कोई भी प्रत्याशी, उनका एजेंट अथवा मतगणना कर्मी आउटर गार्डन के अंदर मोबाइल लेकर नहीं जाएगा, न ही कोई आपत्तिजनक वस्तु या सामग्री लेकर जाएगा। इसके मद्देनज़र सघन चेकिंग की जाएगी। महिलाओं की चेकिंग के लिए अलग से इनक्लोजर बनाए जा रहे हैं। सारी व्यवस्था कर ली गई है। एटा में जिला प्रशासन बड़े हादसे के इंतजार में है। मुख्यालय पर अधिकारियों की नाक के नीचे अवैध गैस रिफिलिंग हो रही है। निधौली रोड पर सिंधी कॉलोनी के सामने दिन के उजाले में डंके की चोट पर जहां पर अवैध रूप से गैस रिफिलिंग हो रही है। एक साल पहले अवैध रूप से गैस रिफिलिंग करते समय मारुति वैन में आग लगी थी। फतेहपुर में एक तरफ जहां किसान आवारा मवेशियों से परेशान है, वहीं आवारा मवेशियों की तरफ से फसलों को नष्ट कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सरसों जैसी फसलों पर माहू नाम के कीड़े ने कब्जा जमा कर नष्ट कर दिया है। बारिश और कोहरे ने किसानों के लिए परेशानी खड़ी कर दी है। किसानों के सामने जीविका चलाने का कोई साधन नहीं बचा है। अरे माहू लाग गए, फरी नहीं आ, सब खराब हो गए, कुछ नहीं आ, तेजे का बिया डावा गए और तीसरी तिमाही हो गया, तेजे का बिया डावा का मैं कुछ नहीं कर। मामला फतेहपुर से है, जहां बिंदकी कस्बे के मरहरा रोड पर तेज रफ्तार से आ रहे नियंत्रित डीसीएम पेठा बनाने के कारखाने में घुस गई। वहीं मौके पर एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। खबर रायबरेली से है, जहां जिलाध्यक्ष वीरेन सिंह की अगुवाई में कई सफाई कार्यकर्ता सफाई गोरा बाजार के आईटीआई परिसर जबा स्ट्रांग रूम बनाया है उसके बाहर नजर आए। इस दौरान जिलाध्यक्ष ने कहा कि वो ईवीएम की सुरक्षा को लेकर यहां पहुंचे और आगे उन्होंने कहा कि हर विधानसभा की निगरानी के लिए पहले से ही 10-10 सफाई मौजूद है, जबकि ईवीएम की सुरक्षा को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर यहां सैकड़ों सफाई इकट्ठा हुए। हम बता दें कि जिले की सभी 6 विधानसभा सीटों की काउंटिंग गोरा बाजार स्थित आईटीआई परिसर में होगी। यहीं ईवीएम रखने के लिए स्ट्रांग रूम बनाया गया है। पहले दिन से ही यहाँ सफाई ईवीएम की निगरानी में जुटे हुए हैं। खबर औरैया से है, जहां के सदर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला गोविंद नगर में नवविवाहिता का शव फांसी से लटकता मिला, जिसके बाद मोहल्ले में हड़कंप मच गया। परिजनों के अनुसार ससुराली जन लगातार विवाहिता को दहेज को लेकर प्रताड़ित करते थे, जिसके चलते युवती ने आत्महत्या कर ली। तो उधर मामले को लेकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्यवाही में जुटी हुई है। घटित हो गई है लड़की हमारी, वहाँ लखनऊ में इसकी ससुराल थी, मोहित नाम के लड़के से शादी हुई। उसके बाद मैं इसको जो जाती थी, वो लड़का शराब पीता था, उसको मारता था, ये अपने घर नहीं बताती थी। जब इसका हाथ तोड़ दिया तो भी इसने घर पर बताया नहीं, लेकिन इसने गोलू ने फोन किया, जब उसके भाई ने तब उसको एडमिट कराया, जाके उसका पूरा एडमिट का इलाज चला, तो उसका वो शरीर उसमें हाथ में ऑपरेशन वगैरह सब हुआ। तो लोगों ने बड़े दावे के साथ में ऑपरेशन जबरदस्ती करवाया,
इसकी शादी 4 साल पहले 28 अप्रैल को हुई थी। कहाँ पर हुई थी शादी? लखनऊ अलीगढ़ जी। सब कुछ दिया दिया, दही जो कठू देना देना था सब दिया। आयोजन ये पीड़ित करते थे बच्ची को, एक बार हाथ भी तोड़ दिया, उसने घर नहीं बताया। जब पता लगा हाथ टूट गया, गिर गई थी इसलिए टूट गया, उन लोगों ने इलाज कराया, हाथ सही करा दिया। फिर आई गई बराबर, अभी रक्षाबंधन को आई तब साथ में, और इनकी नंदों ने, 3 नंदे हैं, वो मार उसूरिंग करती थी इनको, मार पा क्या वो रुपये मांगती थी, 1 लाख रुपया और दो, 1 लाख रुपया और दो बार मांगती थी। अब कहाँ इतने बराबर दिए, कई बार दिए लिए और बराबर देते थे हमेशा, लेकिन बराबर देने में कितने भी हैं, कहाँ से लाए रुपये, और इसलिए इन लोगों ने हराया सताया, वो फिर जान गई नहीं। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही, देश दुनिया की और ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।